कनीज फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज फातिमा अच्छी बच्ची है। माशाल्लाह रायका, आपके नंबर तो बहुत अच्छे आए हैं। फिफ्थ पोजीशन आई है। तो क्या हुआ, क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, अब सभी तो फर्स्ट नहीं आ सकते ना। माशाल्लाह 34 बच्चियों में आपकी पोजीशन पांचवी बनी है। सिर्फ 4 बच्चियों के ही नंबर तो आपसे ज्यादा आए हैं। आपको नहीं पता ना, मैंने रीवा से कहा था इस बार मैं ही फर्स्ट आऊंगी, अब वो चिढ़ाएगी मुझे। परेशान ना हो रायका, मैं अरीबा को समझा दूंगी कि वो आपको ना चिढ़ाए। एक दूसरे को तंग करना भी कोई अच्छी बात थोड़ी है। और अगर आप सिर्फ इसलिए फर्स्ट आना चाह रही थी कि आप खुद को अपनी दूसरी क्लासमेट से बेहतर साबित कर सकें, तो रायका ये भी बुरी बात है। अगर हम में कोई खूबी हो तो हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन खुद को दूसरों से अफजल नहीं समझना चाहिए। सॉरी आपी, अब मैं ऐसा नहीं सोचूंगी, लेकिन फिर भी फर्स्ट तो मुझे ही आना चाहिए था ना। कोई बात नहीं रायका, इतनी उदास मत हो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रायका चले खाना खा ले। नहीं आपी, मैं नहीं खा रही। क्या बात है रायका, आप इतनी उदास क्यों हैं? आपने मैंने कितनी मेहनत की थी, लेकिन फिर भी आप तो ऐसे उदास हो गई जैसे आप फेल हो गई हो। नहीं, फेल तो नहीं हुई, लेकिन फर्स्ट भी तो नहीं आई ना। तो क्या हो गया रायका? जाहिर है जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। जैसा कि कहा जाता है, मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की वो कामयाब हो गया। भाई आप भी तो हमेशा फर्स्ट आती हैं। कोई बात नहीं रायका, अब आप और ज्यादा मेहनत कीजिएगा, इंशाअल्लाह अगले टेस्ट में आप फर्स्ट आएंगी। और अगर अगले टेस्ट में भी फर्स्ट नहीं आई तो? अच्छा अभी खाना तो खा ले। खाने से कैसी नाराजगी, निकला हुआ खाना खाने में जानबूझकर देर करने से रिस्क में बेबरकती होती है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया था कि रिस्क का एहतराम करना बहुत जरूरी है। चले आए खाना खा लें। सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह, आपी आपने मुझे डरा ही दिया। ओहो माफ कीजिएगा रायका, मेरी वजह से आप डर गईं। मेरी नीयत आपको डराने या परेशान करने की हरगिज नहीं थी, लेकिन देखे अल्लाह पाक ने इस नन्ही सी चूटी को भी कितनी हिम्मत अता की है। चली गई। रायका सबसे पहली बात तो ये कि हमें किसी भी जानदार को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे अभी आप इस बेचारी चूटी को इसका रास्ता बार बार रोक कर कर रही थी, हमें जानवरों को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। आपको मालूम है एक औरत ने एक बिल्ली पर जुल्म किया, तो उस औरत के नेक होने के बावजूद अल्लाह पाक ने उसे दोजख में डाल दिया। अस्तगफिरुल्लाह। दूसरी बात ये कि आपने देखा किस तरह चूटी ने बार बार आपके रास्ता रोकने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ने की कोशिश करती रही, और फिर वो अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। जब एक नन्ही सी चूटी हिम्मत नहीं हारती तो आप तो फिर इंसान हैं। इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, हमें तो कभी भी इस तरह मायूस नहीं होना चाहिए। आप सही कह रही हैं आपी, मुझे इस तरह से मायूस नहीं होना चाहिए था। इंशाअल्लाह अगले टेस्ट में मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी और फर्स्ट आने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी, इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा आपी, कि आपने मेरी इस्लाह फरमाई। आमीन वैयाकुम। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटी मुंह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है।
राइका आइए ना, खेलते हैं। नहीं अरीबा, ब्रेक के बाद अभी टेस्ट है, मैं रिवीजन कर रही हूँ। इतना भी याद ना करो कि सभी भूल जाओ। और वैसे भी आप कौन सा फर्स्ट आ जाएंगी? नहीं, देख लीजिएगा, इस बार तो मैं ही फर्स्ट आऊंगी। फर्स्ट आने के चक्कर में कहीं लास्ट ही ना आ जाए। नहीं अरीबा, ऐसे नहीं बोलते। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झगड़ा करने और मजाक उड़ाने से मना फरमाया है। इस मौके पर तो आप दोनों को एक दूसरे की हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जी कनिष्क फातिमा बाजी, आप सही कह रही हैं। सॉरी। अरे कोई बात नहीं, बस आइंदा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आराम से रहेगा, इस तरह भागने से बच्चे गिर भी सकते हैं। माशाअल्लाह, आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। जी अभी ये देखें, मैं फर्स्ट आ गई। ये माशाअल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखा रायका, मैंने आपको कहा था ना? जी अभी बेशक आपने सही कहा था। प्यारे बच्चों, हमें कभी भी अल्लाह पाक की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और मेहनत करते रहनी चाहिए। ये देखो, बहुत मुबारक हो। चले लंच करते हैं। देख लेना आप ही, आज बाबा और अम्मी जान भी मुझसे बहुत खुश होंगे। बहुत मजा आएगा। देखे ना कितने अच्छे नंबर आए मेरे, आज मैं बहुत खुश हूँ अभी। कनीज़ फातिमा, अच्छी बच्ची कनीज़ फातिमा।